नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र। चुनाव का मौसम शुरू होने को है और हमारा देश जो है वो किस्से कहानियों का देश है। हम किस्से कहानियां बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है ये किस्से बहुत कम बाहर आ पाते हैं। या सांसदों के साथ क्या होता है, सांसद जब चुनाव जीतते हैं कैसे उनको टिकट मिली, कैसे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, क्या रोचक किस्से रहे उनके, क्या अनुभव रहे उनके, ये चीज़ें बहुत कम आम तौर पर बाहर आ पाती हैं। द सूत्र कोशिश कर रहा है इस बार जब लोकसभा चुनाव है और पूरा देश जो है वो चुनाव के मूड में रहेगा, तो हम वो किस्से कहानियाँ, असल किस्से कहानियाँ असल किरदारों के मुँह से सीधे सीधे सुने। तो इसी को ध्यान में रख के हमने कार्यक्रम शुरू किया है सांसद वाणी। और इस कार्यक्रम में मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, ये तमाम लोग अपने किस्से सुनाएंगे, वो किस्से जो हमको, आपको, सबको सुनने में मजा आएगी। तो इसी सिलसिले में जो पहली कड़ी है हमारी, उसमें आज हमारे साथ हैं द सूत्र के न्यूज रूम में, आज हैं भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आलोक जी हमारे साथ हैं और हम कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम कोई भूमिका नहीं बनाएंगे। और इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि हम इसमें कुछ सवाल जवाब नहीं करेंगे। कुछ मन में जिज्ञासा होगी तो जरूर पूछेंगे हम, लेकिन हम कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे और कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं करेंगे। जो बात होंगी आलोक जी हमको एक से बढ़कर एक किस्से सुनाएंगे। तो मैं सीधे चलता हूँ आलोक जी के पास। निश्चित ही एक बहुत ही सामान्य परिवार, और जिसके परिवार में किसी ने राजनीति नहीं की, परमपिता परमात्मा की कृपा हुई कि इस क्षेत्र में मुझे आने का उसने अवसर दिया। 1984 में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना और हमीदिया कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तब मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए थे क्योंकि वो चाहते थे नौकरी करूं और अपना शांति से जीवन जीऊं, लेकिन मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। तब बीजेपी कांग्रेस दोनों के चुनाव ऐसे होते थे, NSUI और ABVP। संयोग ऐसा था कि एक तरफ पूरी कांग्रेस लड़ रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उनके बेटे दीपक जोशी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। तब मेरे संपर्क में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए, शालिग्राम जी तोमर आए, संगठन आया और मैंने तय करा कि मैं विद्यार्थी परिषद के साथ काम करूँगा। चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया और उसके बाद निरंतर कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री रहते अनेक कॉलेजों में चुनाव लड़ाता रहा। समय बढ़ता गया, फिर मेरी नौकरी लग गई, रेलवे में नौकरी लगी वो छोड़ दी, एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में मेरी नौकरी लगी वो छोड़ दी, वल्लभ भवन में मैंने 3 महीने काम किया एज ए बाबू। अच्छा। तो लेकिन मन नहीं लगता था, वापस युवा मोर्चे में मैं युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना। फिर 1989 में मैं थोड़ा व्यवस्थित होने लगा तो मैंने वकालत शुरू कर दी। मेरा जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैंने कुछ दिन वकालत करी, लेकिन मुझे वकालत दूसरी करनी थी। 1999 में मुझे पहली बार चुनाव में टिकट मिला पार्षद का, और वो वार्ड ऐसा था जो आज वर्तमान में 24 से तब 26 हुआ करता था। वो उस वार्ड में बीजेपी कोई सा चुनाव नहीं जीती थी और मैं अररा कॉलोनी से लड़ने सिटी आया था, और मुझे भी था कि जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन अंदर से जो कहते हैं ना इंट्यूशन जो था वो था कि नहीं, मैंने कुछ चुनाव तो मैं जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। संयोग ऐसा रहा कि 5 हिंदू लड़े और 2 मुस्लिम लड़े, मुस्लिम वार्ड है, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी 5ों से कि बैठो, हारना तो है और बुरी तरह हारूंगा, तुम लोग लड़ोगे तो, लेकिन कोई माना नहीं। वो 5 नहीं बैठे, वो 2 नहीं बैठे, और ट्रायंगुलर फाइट हुई और मैं 199 वोट से जीत गया। तो ये एक ईश्वर की कृपा बोलता हूँ कि परमात्मा ने मुझे मेरी लाइन चेंज कर दी। उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैं रजा मावल, हम कुछ लोग मिल के, हम लोगों ने मैंने पत्रकारिता शुरू करी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर मैं एक्चुअल पॉलिटिशियन हो गया, ठेकेदारी भी करी। तो मेरे पिताजी कहते जो ये कुछ नहीं करते वो सब ये करते।
लेकिन जब मेरे को चुनाव का टिकट मिला, मैं आपको एक रोचक किस्सा सुना रहा हूँ कि तो मैंने पिताजी को प्रणाम करने गया, बहुत नाराज हुए। मैंने कहा मुझे टिकट मिल गया है भारतीय जनता पार्टी से, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा भगवान करे तू हार जा। लेकिन वो आशीर्वाद था और मैं चुनाव जीता। उसी टाइम पे मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी बन गया। फिर बाद में मैं दूसरा चुनाव अर्रा कॉलोनी से लड़ा, तो वन साइडेड चुनाव लड़ा था मैं, तो वे वार्ड नंबर 51 हुआ करता जो वर्तमान में 48 है। वो चुनाव मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। लोगों ने मुझे भरपूर वोट दिया, कांग्रेस की बस जमानत नहीं बची, बाकी सारा वोट मुझको मिला था। और उसके बाद मैं महामंत्री बना, जोन अध्यक्ष बना। तो जोन अध्यक्ष और महामंत्री संगठन का पद मिल गया था, तो मैंने तय करा कि एक पद पर काम करूँगा। तो मैं जोन अध्यक्ष पद से मैंने विधिवत इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद मैंने संगठन का काम किया एज ए पार्षद रहते हुए। लेकिन उस इस्तीफे के कारण संगठन में मेरी वैल्यूज बढ़ी। बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बना दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बन गया तो फिर मेरे ऊपर पूरा भोपाल जिले का भार हो गया। और विपक्ष में रहते हुए जो काम करने का मजा था वो मैंने सीखा, कहते हैं कैसे काम करना। बाद में फिर मुझे प्रदेश का कार्यालय मंत्री बना दिया गया। और शायद मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय वो 4.5 साल था जब मैं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सीधा मेरा संवाद होता था और सीधा मैं उनसे बात करता था। और काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एक संगठन को कैसे देखना, कैसे संगठन के माध्यम से काम करना, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ मैंने वहाँ से सीखी। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, मुझे पता नहीं था। 2014 में तब रंग पंचमी का दिन था और मैं जबलपुर के जो हमारे सांसद थे राकेश सिंह जी, उनका मैंने बी फॉर्म भर के दिया था। दोपहर 2 बजे की बात थी और अकस्मात शिवराज जी का फ़ोन आता है मेरे पास कि भोपाल का क्या करना है। तो मैंने सहजता से कहा, मैंने कहा भाई साहब जो भी करना है जल्दी करिए, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है लंबे समय से काम कर रहा है, हम पिछड़ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सहजता से कहा कि तेरे को लड़ा दें। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत खर्चीला चुनाव होता है। फिर भी मैंने कहा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं उनसे मिलने गया बंगले पे। बहुत सहजता से उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने सिर्फ हिंट दिया था। फिर उन्होंने कहा अभी चर्चा चल रही है, एक नाम तुम्हारा भी आया है। मैंने अंदर से कुलबुलाहट कह सकते हैं, तो घबराहट कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के टिकट में मेरे को टिकट अनाउंस जैसा हो गया था, कट गया था। तो मित्रों में भी परिवार में भी मजाक सा उड़ा था। तो मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया कि शिवराज जी ने मुझसे ऐसा कहा है। कि मैंने कहा नहीं मिलेगा तो फिर अननेसरी, मैंने कहा जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, मैंने नहीं बताया। 7:45 बजे पट्टी चल रही थी, ETV हम देख रहे थे उस टाइम पे कि भोपाल से संभावित उमा भारती या कैलाश जोशी फाइनल हो सकते हैं। तो मैंने कहा उनका ही होना टिकट, मैं एक साधारण कार्यकर्ता। ठीक जैसी पट्टी चली वैसे ही शिवराज जी का फ़ोन आया कि कहाँ हो आलोक आप। मैंने कहा भाई साहब घर पर हूँ। तो उन्होंने कहा तुम अकेले हाउस आ जाओ। अब फिर दोबारा से मेरा BP हाई होने लगा कि अब क्यों बुलाया है और ये पट्टी चल रही है। कि मैं सोच सकता है कुछ काम संगठनात्मक देने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने दोपहर में बोला था। तो वो भी मतलब बहुत सारी विचारों के द्वंद में फंसता चला जा रहा था। फिर मैं अकेला पहुँचा, मैं न्यू मार्केट तक पहुँचा और इतने में कैलाश जोशी जी का फ़ोन आ गया मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे पूछा आलोक कहाँ हो तुम। तो एक बार की मेरे को लगा कि कुछ बोलूँ, फिर मैंने कहा नहीं, हमारे वरिष्ठ हैं, मेरे गुरु जैसे हैं, इनको झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा शिवराज जी ने मुझे कॉल किया है, मैं बंगले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और मैंने तुम्हारे नाम पर सहमति दे दी है। तो लिटरली मैं रोने लगा और गाड़ी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। सीएम हाउस पहुँचा, मुँह धो के अंदर गया। तो शिवराज जी ने जैसी मैंने चुकी, दोपहर मैंने कहा था कि भाई साहब बड़ा कठिन चुनाव, मैं कैसे लड़ पाऊँगा। तो शिवराज जी ने ऐसे मुझे उंगली रख के बोला कि तुम बैठ जाओ चुपचाप, बोलो मत कुछ। वहाँ दो लोग और उपस्थित थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और अरविंद मेनन जी, तब संगठन महामंत्री थे। तो मैं बैठा वहाँ पे, तो नरेंद्र सिंह जी तब प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा सबने मिलकर तय करा है कि तुम्हें भोपाल से चुनाव लड़ना है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब बहुत बड़ा चुनाव है और मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। तो जो बात उन्होंने कही उसको मैंने डायरी में नोट किया। नरेंद्र सिंह जी ने मुझे बोला था आलोक तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इतना पॉजिटिव स्थिति थी उसमें, उस लाइन में,
और वो मेरे मन में आज तक है कि मैं चुनाव जीता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक नेतृत्व कैसे कार्यकर्ता का डेवलप करता है वो मैंने नज़दीक से देखा। चुनाव लड़े, नॉमिनेशन फाइल हुआ, पूरे भोपाल के कार्यकर्ता, बल्कि यूँ कहूँ तो पूरे प्रदेश में एक हलचल सी मच गई थी। उमा भारती जी ने भी खूब तारीफ करी, सभी लोगों ने जिस तरह से मेरे को बूम दिया, तो मेरा मनोबल बढ़ता चला गया। फिर मुझे लगा कि अब चुनाव लड़ना है तो खर्चा तो होता है, तो मैंने अपनी पत्नी से बात करी, भाई से बात करी, तो हमने कहा एक प्लॉट है उसको निकाल देंगे जो पैसा आएगा। लेकिन सच कह रहा हूँ कि दूसरे दिन पूरी रात तो मैंने फ़ोन अटेंड किए, सो नहीं पाया एक मिनट भी, चार्जर पे मोबाइल रख के बात करता रहा। लेकिन सुबह होते होते तक 12 बजे मेरे मित्रों ने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, लाख, तो मेरे पास 40 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। तो मैं कहता हूँ ना कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो वो मैंने देखा, फिर उसके बाद संगठन ने जिस तरह से पूरी यू रचना बनाई, क्योंकि तो सामने मेरे पीसी शर्मा जी थे चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, अच्छा नामी ग्रामी विधायक। बीजेपी की टिकट बिना आपके मांगे, आप बता रहे कि आपको मालूम भी नहीं था। बिल्कुल नहीं मालूम था। ये थोड़ा सा एकदम हजम नहीं होता बहुत आसानी से। नहीं हजम होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सत्यता आपके, मतलब आपके सामने जो कुछ भी मैंने बोला बिल्कुल सत्य बोला, और इस बात की पुष्टि शिवराज जी भी कर सकते हैं, नरेंद्र सिंह जी भी कर सकते हैं, संगठन कर सकता है। लेकिन सच बताऊं तो मेरे भी आंख में आंसू है कि कार्यकर्ताओं को ऐसा सम्मान मिलना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और सच बताऊं तो मेरे जेब का एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं एक आपको, आप बीच में चूंकि बात आ गई थी, मैं संस्मरण, तो मेरे पड़ोस में दिल्ली में कुरुक्षेत्र के सैनी जी जो थे वो रहते थे, तो उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने से चुनाव जीते। तो मैंने बोला मैं 3,74,000 के आसपास जीता हूँ। तो कह, अरे वाह बहुत ज़्यादा वोटर जीते, कितना खर्चा हुआ। तो मैंने कहा भाई सच बताऊँ मेरा एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ, मुझे पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने चुनाव लड़ाया। तो काउच पे लेटे हुए थे वो, 6 फुटे हैं, 6 फुट ऊँचे पेरे, यदि आपने देखा होगा, तो एकदम वो खड़े हो गए, बोले यार क्या बात करते हो, मैं 150 करोड़ रुपये खर्च करके आ रहा हूँ। तो मेरे अन्यायस मुझसे निकला, इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। तो फिर जब मैं चुनाव लड़ने के लिए जब नॉमिनेशन फाइल करवाया, सब कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ मुझको लिया, मेरे को आप सच बताऊं तो हमारे भोपाल में एक पुराने कार्यकर्ता हैं मारन जी, वो सुबह सुबह आए, एक गाड़ी लेकर आए, उनके उसके साथ ड्राइवर था, मुझसे बोले कि आलोक इस गाड़ी से चुनाव लड़ना। तो मेरे को चलो गाड़ी मिल गई, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा, गाड़ी भी लेती हाँ, तो उन्होंने गाड़ी दी, फिर ड्राइवर साथ में दिया। तो फिर मैंने को लगा कि अब इसमें डीजल तो मुझे डलवाना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मैं डीजल डलवा लूँगा। कहले नहीं, डीजल भी मेरी तरफ से ही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक साधारण से कार्यकर्ता के कैसे कार्यकर्ता मदद करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मारन जी जो अपने रातीबड़ में रहते हैं, उन्होंने इस तरह से मदद करी। हर कार्यकर्ता में कितने ही नाम ले सकता हूँ कैसे किसने मदद करी। मैं नवरात्रि का टाइम था जब चुनाव में, बीच में सब लोग उपास रखे हुए थे कार्यकर्ता लोग, मैं बैरसिया प्रचार पे जा रहा था, तो बीच में एक देवी जी का मंदिर था, थोड़ा सा ऊपर था, तो भीषण गर्मी थी, दोपहर का समय था। तो किसी कार्यकर्ता ने बोला कि 2 मिनट आप मंदिर चले जाओ। तो मैंने कहा कोई बोल दे, और ऐसे टाइम पे तो मंदिर ज़्यादा याद आते हैं। तो मैंने वहीं उसी रथ पे अपने जूते उतारे और नंगे पाँव में सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इतनी गर्म थी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को पाँव, दूसरा पाँव रखने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी देर में छाँव में खड़ा रहा। फिर दर्शन करके नीचे उतरा, वापस गाड़ी में आ गया। मेरी निगाह जब नीचे गई मेरी कार्यकर्ताओं की तरफ जो उपास करे हुए थे और नंगे पाँव पद छोड़ देते हैं, कुछ लोग पदवेश छोड़ देते हैं नवरात्रि में, वो हाथ में माला ले लेकर दूसरों को देकर दौड़ दौड़ कर दे रहे थे, तब मुझे लगा कि मैं तो सिर्फ चुनाव लड़ रहा हूँ, वास्तविक चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं मुझे जिताने के लिए। और मैं हाथ जोड़ के आज भी उनको प्रणाम करता हूँ कि उस सड़क पर चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। ऐसे कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी है। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, अनेकों उदाहरण हैं चाहें, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा और रात को 2-2 2:30 बजे आता था,
आपस में ये विवाद होता था कि मेरे घर चाय पियेंगे, मेरे घर खाना खाएंगे, जगह जगह तिलक होते थे और पैसे। अब अपन देखते हैं कि कैंडिडेट पैसा देता है, वो फोटो खिंच जाते हैं, लोगों ने मेरे को तिलक लगा के जिसकी जितनी है 100 रुपये 200 रुपये, नारियल साफा बांधना, शॉल उड़ाना, आत्मीयता से जो चुनाव लड़ाया। मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, हमेशा ऋण ही रहूँगा। एक एपिसोड और सुनाता हूँ आपको। कैलाश जोशी जी की तबीयत ख़राब थी, उनकी शुगर बहुत हाई थी, वो अस्पताल में नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैं चुनाव लड़ रहा था। 2 दिन बाद उनको छुट्टी हुई, उनकी वहाँ से घर आ गए, मैं तो तबीयत देखने गया तो मुझसे बोले कि अब मैं ठीक हूँ, कल तुम्हारे साथ में चुनाव प्रचार में चलूँगा। तो अरे मैंने कहा आप बिल्कुल मत परेशान हो, मैं चला जाऊँ कल। नहीं, मैंने बोल दिया ना मैं चलूँगा, मैं मेरे पास सुबह आना, मुझे लेके जाना। मैं जोशी जी के घर गया, वो मेरे साथ गए। तो चूंकि आचार संहिता का पालन करना हमको तो समझ में नहीं आता, कैंडिडेट को समझ में नहीं आता, लेकिन जोशी जी इस मामले में बहुत ही सख्त थे। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की कतार लग गई, पीछे कारें चली आ रही हैं, तो उन्होंने रुकवाया एक मंदिर में, वहाँ पे हम लोगों का भोजन था। उनका मना करा, कोई भी पीछे नहीं आएगा, गिनती की 2 गाड़ियाँ रहेंगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी चुनाव में हिसाब किताब देने में। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। थोड़ी देर में फिर काफिला बन गया, तो जोशी जी ने गाड़ी रुकवाई। और अब जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो लोग साथ में थे, उनको आज भी ये याद होगा, आपके चैनल को जब देखेंगे तो उनको याद आएगा। उन्होंने डिक्की में से पेचकस निकाला। अच्छा। अब जो भी गाड़ी यहाँ पर आएगी मैं इसके पैर में घुसेड़ दूंगा, पंचर कर दूंगा मैं। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने कहा नहीं, जब नियमानुसार चलो, चुनाव प्रचार में जितनी गाड़ियाँ रहनी उतनी ही रहनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं और हम चुनाव जीत गए। काउंटिंग हो रही थी तो सीहोर के कार्यकर्ताओं ने मुझे एक बार बोला कि यहाँ से लोग जीत कर चले जाते हैं लेकिन फिर सीहोर कोई आता नहीं है, और चुनाव के परिणाम भी सब जुलूस जल से सब भोपाल में ही होते हैं, सीहोर अलग सा थलग सा पड़ा रहता है। तो एक अच्छी आदत थी, मैं डायरी लिखता था, तो जो मेरे को लगता था वो लिखता था। तो मैंने तय करा कि अब चुनाव का जब दिन परिणाम आएगा तो मैं सीहोर से अपनी काउंटिंग शुरू करवाऊँगा, मैं भोपाल से नहीं कराई। मीडिया पूरा चाहता था कि मैं भोपाल में रहूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका मीडिया वहाँ जो उसको बोलो, लेकिन मैंने तय करा है कि मैं सीहोर से काउंटिंग में जाऊँगा, वहाँ से प्रारंभ करा के भोपाल आऊँगा। सुबह जल्दी स्नान करके, पूजा पाठ करके, मम्मी को प्रणाम करके मैं जब निकला तो सीहोर पहुँचा, गणेश जी के दर्शन करे। और जब वहाँ पहुँचा तो लोगों का आश्चर्यचकित थे कि यार हाँ, तो पहली बार कोई ऐसा है कि जो काउंटिंग में यहाँ पर आया है। हम वहाँ काउंटिंग में पहुँचे, भोपाल आते आते हमको 10 बज गया, क्योंकि विदिशा की भी काउंटिंग वहाँ पे होती थी। मैं भोपाल आया तब लगातार वोट मेरे बढ़ते चले जा रहे थे, पहले वोट से हम लीड लेना शुरू करी थी हमने। तो भारतीय जनता पार्टी की जब लीड बढ़ती चली जा रही थी तो मैं संपर्क में था, तब मैं भोपाल आ रहा था, तब मैं 1,70,000 से प्लस था। ये भोपाल आया, जेल में जब पहुँचा हमने काउंटिंग स्थल पर, तो 12 बजे के आसपास लगभग ये तय हो गया था कि मैं 2.5-3 के आसपास प्लस जा रहा हूँ और अब लीड बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको एपिसोड इसलिए सुना रहा हूँ कि उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने बाय द वे कहते हैं ना, आत्मीयता से कुछ काम करो तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं ऐसे काउंटर्स में से अलग अलग घूमते रूम में निकल रहा था, तो कांग्रेस चूँकि बहुत बुरी तरह हार रही थी, पीसी भाई एक कोने में अकेले खड़े हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग छोड़कर जा रहे थे। लगभग तय हो गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी जीती गई है, तो मैं पीसी भाई के पास गया और मैंने जाके उनके चरण छुए। मैंने कहा मेरे बड़े भाई हो आप और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। दूसरे दिन जब समाचार पत्रों में रिजल्ट आया तो उस पर हेडिंग थी कि विनम्रता की भी जीत। तो मुझे लगा कि विनम्र रहने का कितना फ़ायदा है, यदि नहीं जाता तो ये हेडिंग ना बनती, और उससे मेरी पार्टी को भी लाभ मिला। जनमानस में भी एक अच्छा गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह नहीं कर रहा, उसको सेवा की तरह मैं करूँगा, ऐसा मेरा मन में विश्वास भी था। तो एक वो पूरा जब छपा, फिर बाद में उस फोटो को ऑल इंडिया प्राइज भी मिला था, चंडीगढ़ में कोई प्रदर्शनी लगी थी, तो बाद में मुझे बताया गया कि वो उसमें उसको प्राइज मिला। तो वस्तुतः हम काम करते रहें, ठीक ठाक चलते रहें, तो पॉलिटिक्स करने का मज़ा कुछ और है, लोगों को दिखता कुछ और है, लेकिन उसको एहसास करा के उन्हें राजनीति करी।
फिर मुझे लगा कि जब पहली बार मैं जब दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचकर मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब बनवाया, क्योंकि हमने पहली बार संसद देखी थी, उसके पहले हम संसद नहीं देखी थी। ऑब्वियसली एक अलग तरह का, मैं कहता हूँ ना, एक केमिकल अंदर डेवलप हो रहा था जो चेहरे में भी अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ गया था। और पहली बार दिल्ली गए थे और तो हमने इसके पहले कभी दिल्ली नहीं गए थे? नहीं, दिल्ली गए थे लेकिन संसद कभी नहीं गए थे। तो आंदोलन प्रदर्शनों में दिल्ली जाना होता था, बाकी ऐसे तो घूमना होता नहीं था। तो जब वहाँ मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाया और उसके बाद हम लोग बाहर आए, सेकेंड डे की बात है, अकस्मात सूचना आई कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। तो एक तो वो देखा जहाँ गोलियाँ वोलियाँ चली थी, वो स्पॉट्स बने थे, वो सब देखते रहे। अंदर लाइब्रेरी देखी, वही रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट, जो सिविक्स में हम पढ़ते थे कि राज्यसभा है जो रेड कारपेट है और ग्रीन कारपेट वाली लोकसभा है, सब देखा हमने उसको। और एक अलग तरह की अनुभूति, नए नए लोगों से परिचय हुआ। हम जैसे मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं तो मेन गेट पर चले गए। अब उनके कमांडोज और वहाँ के लोगों को उनको लगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो भीड़ रहती है। तो उन्होंने जैसे ही संकेत हुआ मोदी जी के आने का, तो उन्होंने हमको थोड़ा सा धक्का दे दिया, पीछे हुई आप लोग। तो मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला, भाई मैंने हम नए नए बनकर आए हैं हम भी सांसद हैं। उन्होंने कहा अच्छा, खड़े रहिए। वो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा, उसको मैंने साक्षात देखा। जब नरेंद्र मोदी जी आए और अपनी कार से जब उतरे तो बहुत ही सहजता से, मतलब हमने जल्दीबाजी करी थी कि जल्दी चढ़ के अंदर चढ़ जाए, लेकिन उन्होंने पूरी निहारा उस लोकतंत्र के मंदिर को। और जब वो प्रथम सीढ़ी के पास आए लोकतंत्र की, और आप लोगों ने भी देखा होगा उस सीन को, याद होगा आपको, तो साक्षात दंडवत किया उन्होंने और उन्होंने माथा रख दिया, शायद धूल भी माथे पे लगाई उन्होंने। तब हमको लगा कि हम तो कितने मूर्ख लोग हैं कि आज ये पहली बार हम यहाँ पर आए हैं और धड़धड़ाते हुए हम चढ़ गए वहाँ पर। फिर बहुत सारे सांसद हमारे सहित सब लोग वापस उतर कर आए मोदी जी के जाने के बाद, सबने वैसे ही सबने दंडवत किया और फिर प्रवेश किया दोबारा से। तो कहते हैं ना, एक नेतृत्व यदि ठीक हो तो फिर अपने आप सब कुछ ठीक, इंजन ठीक हो तो डब्बे अपने आप फिर पहुँच जाते हैं। फिर उसको हमने देखा न्यूज़ में से, रात को देखा तो और अच्छा लगा कि हमारा नेता जो है वो ऐसे भाव रखता है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हुए हमारे सामने। फिर हम दिल्ली पहुँचे, वहाँ पे तो तब हमारे यहाँ उस टाइम पे सीट्स अलॉट नहीं होती, कोई कहीं भी बैठ जाए, और हाँ फ्री फॉर ऑल। फिर हम लोग इस जो सत्ता पक्ष जहाँ बैठता है, तो हम जल्दी आते थे कि हमको सीट आगे की मिल जाए तो टीवी में हम दिखाई दें ये मुँह दिखने का कि हमें हमारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमको देखेंगे, और जो बोलने वाला होता था तो उठकर जाके उसके पीछे बैठना। थोड़े दिनों बाद ऐसा लगा कि ये मूर्खता कर रहे हैं हम। तो फिर हमने वो क्रम तोड़ा, फिर अपनी जब सीट अलॉट हो गई फिर अपनी सीट पर ही बैठे। फिर मन में यही भाव आया कि ये सीट भगवान ने बड़ी मुश्किल से अपने को दी, इसलिए इस नंबर को छोड़ो मत, यहीं बैठे रहो। तो हमने वहाँ बैठना शुरू किया। फिर हम बड़े जो सीनियर्स थे, मैं प्रहलाद पटेल जी तब हमारे साथ सांसद थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने हमको सिखाया। सीनियर्स की एक ये भी खासियत थी, कैसे क्वेश्चन लगाना, जीरो आवर में कैसे बोलना, प्राइवेट बिल। हम लोगों के नए नए सांसदों को हमारी एक वर्कशॉप भी हुई थी, उस वर्कशॉप में भी हम लोग गए थे। तो हम पूरा लिखे विखे सब लोग, सुषमा जी वगैरह सबसे मिलना जुलना। फिर मतलब वहाँ जाके लगा कि हम कितने बड़े लोगों के साथ रहते हैं, हम कितने छोटे से कार्यकर्ता, और कितना बड़ा सम्मान पार्टी ने दिया। तो वहाँ जाके फिर हम लोगों ने इस तरह से काम करना शुरू किया, देखना शुरू किया, जीरो आवर में बोलना शुरू किया। बाद में जो किसी विषय पर बोलना होता था तो हमारी इच्छा होती थी कि हम बोलें उसके ऊपर, तैयारी भी करके आते थे, लेकिन बहुत स्लॉट्स रहते हैं, इस पार्टी को इतना मिनट, इस पार्टी को इतना मिनट। और तो हमको हमें लग गया कि हमें अवसर नहीं मिलेगा। तो पहले पहले लगा कि हमको बोलना चाहिए था, हम बोल नहीं पाए। फिर हम बैठे तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको यदि बोलना है तो आप अपना राइटअप तैयार करके लाओ और उसको ले कर दो, तो आपको दूसरे दिन जो बुलेटिन आएगा तो मेरा पूरा भाषण उसमें छप के आता था। तो बड़ा अच्छा लगता था कि अरे हमने बोला नहीं और उसके बाद भी हमको स्थान मिला, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। फिर हमने हर जो डिबेट्स होती थी हम उसमें अपने आप को इंक्लूड करते थे। फिर उसमें हमारी जो मार्किंग होती है वो भी बढ़ती गई, धीमे धीमे हमने काम करना सीखा वहाँ पे।
तो कुल मिलाकर एक संसद में गए, फिर वहाँ जाकर संसद दल की बैठक होती है, उसमें मोदी जी की स्पीचेस जो सुनते थे, हमारी वे ऑफ वर्किंग कैसी होनी चाहिए, एक सांसद बन गए तो आपको कैसे काम करना, एक लीडर को डेवलप किया। उन्होंने एक अच्छी बात बोलती थी कि पॉलिटिशियन नहीं, लीडरशिप डेवलप करो, राजनीतिज्ञ मत बनो, लीडर बनो। तो अच्छी इसकी एक कोटेशन भी है इसके लिए बहुत अच्छा, कि पॉलिटिशियंस हमेशा फॉलोअर्स खड़े करता है और लीडर हमेशा लीडर खड़ा करता है। मोदी जी को मैं इसलिए लीडर बोलता हूँ, उन्होंने बहुत सारे लीडर खड़े करे, तो हमको भी लगा कि हम भी लीडर खड़े करें। तो हमने एक साधारण पॉलिटिक्स को करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे, फिर लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया हमने। ये भी हमारे सीनियर्स ने हमको बताया कि चूँकि एडजर्न हो गई है पार्लियामेंट, फिर क्या करोगे, तो घर चले जाओ या घूमने चले जाओ। तो वो समय हम फिर लाइब्रेरी में गुजारते थे। फिर लाइब्रेरी में गए तो फिर हमने वहाँ पर उनसे पूछा, वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे कैसे सीडीज़ बनती हैं, जो हमने बोला उसकी बनती हैं, जो दूसरे ने बोला आपको लगता है इनकी स्पीच बहुत अच्छी है, तो मैंने जो पहले जो संसद हो चुकी हैं उनकी जो स्पीचेस वो आपको पसंद, कहा हमारे पास पूरी लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी है उनके पास, तो 100 रुपये में एक सीडी बनती थी। तो आप कभी मेरे पास आओगे तो मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, फिर उसमें देश के वो राजनीतिक जो हमारी विचारधारा के नहीं भी हैं, उन सबको हमने उनकी सीडीज़ बनाई। अब जब हम नए नए दिल्ली पहुँचे तो एकदम मकान नहीं मिलते, जो सरकारी जो मिलते हैं आवास नहीं मिलते, तो हमको अशोका होटल में बोला गया कि आपको अशोका होटल रुकना है। तो मेरे को लगा कि अशोका होटल में तो बहुत महंगा होगा ये, और तो मैंने कहा नहीं नहीं सब सरकार पे करेगी। तो मैंने फिर नरेंद्र सिंह जी को बोला, मैंने भाई साहब मैं तो होटल में रुकने का आदी नहीं हूँ, रुका भी नहीं हूँ, मेरे बस का भी नहीं है, भले ही सरकार पे करे पूरा। फिर नरेंद्र सिंह जी ने, तोमर जी ने मुझको दिल्ली में एमपी भवन में एक कमरा छोटा सा दिलवा दिया। मैं पूरा साल भर उस एमपी भवन में रहा, मैं होटल में नहीं रहा। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आई थी कि नहीं, अपने ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। अब इस खर्चे को लेकर एक चीज़ और मुझे याद आती, मैं आपको सुनाता हूँ कि जब भोपाल से दिल्ली जा रहा था, कार्ड बन गया, तो एक सांसद को एसी फर्स्ट का एक टिकट, मतलब 2 टिकट और एक सेकेंड एसी मिलता है, सहयोगी जा सकता है। और तो मेरे को लगा कि एसी फर्स्ट में जाऊंगा तो कितना किराया लगता है, और अपन ने तो स्लीपर से घुमा करते थे, वो भी विदाउट रिजर्वेशन। तो मैंने रिजर्वेशन कराया, तीनों टिकट मैंने AC 3 के कराए। मैंने कहा अपन AC 3 में जाएंगे, इतना खर्चा नहीं कराएंगे सरकार का। 2 बार गया मैं, तीसरी बार मैं AC 3 में जा रहा था तो TT मेरे पास आया, तो मुझसे बोला कि सर एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। मैंने कहा बोल दी आप AC फर्स्ट में क्यों नहीं जाते हो, तो खाली जा रहा है डिब्बा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा तय करा है कि मैं AC 3 में जाऊंगा, मैं अपनी आदतें नहीं बिगाड़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं सर, यह सुविधा आपको मिली तो आप इसका सदुपयोग करो, यदि आप नहीं जाओगे तो 3-4 लोग सो के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तो आप AC फर्स्ट में चले जाओगे, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं कि AC फर्स्ट का टिकट लें या AC 2 का लें, लेकिन 3 सीट छोड़ोगे तो 3 AC 3 में चले जाएंगे जो अभी वेटिंग में है, जिनका RAC है, और वो खाली जा रहे हैं। तब मुझे लगा कि तो रक्षा में हत्या हो रही है। फिर मैंने सोचा कि बात सही करो, फिर मैंने वहाँ जाकर शिफ्ट किया। ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं। अब AC फर्स्ट में जा रहे थे तो मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। भोपाल से, भोपाल एक्सप्रेस सबसे अच्छी गाड़ी होती थी हमारे लिए, तो हमें AC फर्स्ट में कूपा मिलता है 2 का। तो मैं अपने कूपे में चला गया, बैठ गया जाके, तो एक महिला जो थी, संभवतः मैं नाम उसका नेहा मुझे याद आता है, एक बिटिया थी, वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मैंने पूछा, मैंने क्यों चिल्ला रही हैं ये बाहर खड़े होके, तो मेरे पास जो मेरा PSO था उसको बोला, मैंने कहा पूछ क्या हो, क्या दिक्कत हो गई। तो फिर मैं बाहर निकला उनके पास बात करने के, मैंने बताई क्या दिक्कत हो गई। तो उसने कहा कि मेरे पास छोटा सा बेबी है, मेरी मदर मेरे साथ जा रही है, मैंने AC फर्स्ट का टिकट इसलिए लिया था कि मुझे कूपा मिल जाए, क्योंकि मेरे को बच्चे को फीट कराना है, और मेरे को 4 का कूपा दे दिया है, और वहाँ पे 2 पुरुष पहले से हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे जा पाऊँगी। तो एक कांग्रेस के नेता और जा रहे थे बगल में, उनका भी AC 2 का था, तो उन्होंने पहले उनसे रिक्वेस्ट करी होगी, तो उन्होंने मना कर दिया, दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो के तो जाना है, आप मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं उधर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मैं 4 के कूपे में चला गया और वो 2 के कूपे में आ गई। मैं वो, उसने जो फेसबुक पे लिखा था वो बता रहा हूँ,
उसने जो फेसबुक पे लिखा कि मुझे आज गर्व है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और आलोक संजर ने अपना कूपा मेरे लिए छोड़ दिया मेरी परेशानी को सुनकर। तो जरा सा हम छोटा सा यदि किसी की मदद करते हैं उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती है। तो भोपाल में ही हमारे एक मित्र हैं, वो सतीश जी, उनकी परिवार की बिटिया थी, रिश्तेदार थी। मैं दिल्ली पहुंचा तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आलोक जी तुमने कल रात को बहुत अच्छा काम किया। मैंने क्या कर दिया भाई? कहले आपने किसी को अपना कूपा दे दिया था। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहले मेरी रिश्तेदार थी। तो हमें मेरे कहने का मतलब ये है कि एक राजनीतिकों का कैसे काम करना, कितने सारे एपिसोड नरेंद्र मोदी जी के हैं और अन्य लोगों के हैं, तो वो सब हमने वहाँ रहते हुए सीखा कि हम चुनाव में इसी नहीं जनता ने जिताया, और हम इनके लिए यदि अपना थोड़ा सा सुख नहीं छोड़ सकते तो फिर हमें राजनीति करने कोई औचित्य नहीं है। इस तरह के कुछ एपिसोड गए सदन में, तो वहाँ जब प्रश्नकाल खत्म हुआ, प्रश्नकाल के बाद थोड़ी देर की जब एक इंटरवल टाइप का होता है तो उसमें फिर आप सेंटर हॉल में जाते, तो सेंटर हॉल में तो कई बड़े दिग्गज नेता मिलते होंगे हर पार्टी के, तो आपका उत्साह भी रहता होगा मिलने का, देखने का, बातचीत करने का, तो उसमें किस तरह का मतलब कुछ इंसिडेंट बता देंगे? एक मैं आपको बहुत एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया। आपको हम लोग एडजन हो गई थी पार्लियामेंट, तो मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी और मुलायम सिंह जी दोनों बातें कर रहे हैं, तो मेरे पास रोडमल नागर जी, हम लोग सब साथ में बैठते थे, अनूप मिश्रा जी थे राजगढ़ के साथ, अनूप मिश्रा जी थे, सब लोग हम लोग बैठे थे। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कि ये दोनों बातें कर रहे हैं, एक को हिंदी नहीं आती होगी, एक को इंग्लिश नहीं आती होगी, बात क्या कर रहे हैं? फिर थोड़ी देर बाद मैं गया, तो जब वो दोनों डिस्पर्स हुए तो मैं मुलायम जी के पास गया। मैंने वैसे एक बात आपसे पूछनी है, मैंने हम लोग देख रहे थे आप दोनों बात कर रहे थे, तो आप लोग उनको इंग्लिश नहीं आपको नहीं आती होगी इतनी अच्छी जितनी उनको अच्छी आती होगी या हिंदी? तो उन्होंने कहा यार ऐसा थोड़ी ना, मेरे को इंग्लिश, मुझे भी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और उसमें जो बात बोली उनका, सोनिया गांधी को हिंदी भी अच्छी आती है। तो मतलब कभी कोई ऐसे एपिसोड है जो प्रश्न खड़े कर देते हैं, फिर उसका निराकरण नहीं हो तो प्रश्न ही रह जाते हैं, तो उस उत्तर हमको ऐसे मिला। तो हम सेंट्रल हॉल में बैठते थे, तो वहाँ पे सेंट्रल हॉल में भी बहुत सीनियर्स बैठते थे, उनके पास जाकर बैठना, उनसे सीखना, बात करना। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने सारे एपिसोड्स आपके पास हैं, आप इतने सारे मामले उठाते हो, तो ये आपको मिलते कैसे? उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला कि जो मुझको देकर जाता है ना, उसको विश्वास होता है कि मैं इसको कहीं पास ऑन नहीं करूँगा, इस विश्वास पे लोग मुझको देके जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये भी, कि कोई भी यदि आपको कोई बात देके जा रहा है तो उसको पास ऑन ना हो, उस लीक ना हो जो आजकल बहुत होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। दिल्ली में हम लोग फ्लाइट हमको फ्री होती है, जब हम लोग कमेटीज़ की मीटिंग होती है उसमें फ्री होती है, एग्जीक्यूटिव क्लास मिलता है उसमें, और पार्लियामेंट जब जाते उसमें फ्री होता है जब पार्लियामेंट शुरू होती है। मैं एक और एपिसोड आपको ऐसे सुनाता हूँ कि मैं दिल्ली से भोपाल आ रहा था, तो व्हील चेयर से उतरी महिला, और चूँकि फ्लाइट भोपाल ही आनी थी, मेरा कोई परिचय नहीं था, तो वो बिल्कुल चल रही थी उसको लेके स्टैंड को लेके, तो मेरे पास से मैंने कहा दो मिनट आप रुको, मैंने कहा आप यहाँ बैठो, तो मैं पीछे चला जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समय पे तो पहुँचना ही है, इकोनॉमी में चला। तो उसके बेटे ने बोला नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कहा नहीं नहीं वो इतनी दूर पीछे जाएंगे, मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैठाओ, ये खुला एरिया भी है। तो मैंने उनके लिए सीट छोड़ दी थी, उन्होंने बहुत थैंक्स दिया। बाद में जो एयर होस्टेस थी वो उसने जाके कैप्टन को बोला कि वो पीछे चले गए, तो ये कैप्टन मेरे पास आए कि आप पीछे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बीमार है और मेरे भोपाल की हैं वो। तो उसने होस्टेस को, एयर होस्टेस को बोला कि जो खाना जाता है वीआईपी खाना पीछे दे के आना। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं नहीं। लेकिन जब लैंड हुई भोपाल में फ्लाइट, तो उसने बोला हुआ था उसको कि जब लैंड हो जाए तो उनको आगे लेके आ जाना, क्योंकि फिर क्यों लगती है। तो मुझे आगे लेकर आए, तो मैं जब आ रहा था आगे, तब जितने लोग बैठे थे सब ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझको, लगभग भोपाल के ही थे, कुछ लोग बाहर के होंगे जो भोपाल आए थे। तो छोटी छोटी सी बातें रहती हैं उसमें, हम यदि ये हक जमाएंगे तो मेरी ही हो गई है, तो मुझे मालूम था कि कभी अपनी नहीं रहेगी।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। और भोपाल में एम्स अस्पताल की स्थिति तब थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेरे मन में ये आया कि इसको एम्स को ठीक करना है। तो मैंने तय करा कि मैं मंडे को 11 बजे रोज हर मंडे को एम्स में बैठूंगा। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे, पीआरओ थे, उनको मैंने बोला कि मैं मंडे को 11 बजे आया करूँगा। फिर मैं घर 11 बजे वहाँ पहुँचा, दो बार मैं पहुँचा, तीसरी बार डॉक्टर्स मेरे पास आए कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आ रहे हो, लेकिन हमें बहुत डिस्टर्बेंस है। मैंने, क्यों डिस्टर्बेंस है? आप आते हो तो फिर हम लोगों को आपके लिए प्रोटोकॉल में यहाँ आना पड़ता है, मरीज वहाँ पे खड़े रह जाते हैं, और तो अब बेटर है कि आप ऐसे मत आया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर कभी भी आ जाया करूँगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि एम्स बहुत अच्छा है। फिर लोगों ने, डॉक्टर्स ने, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हुए और वो रिलेशंस आज भी बने हुए। मैं कभी भी कोई काम बताता हूँ तो उसको लोग तवज्जो देते। फिर मैं कभी भी पहुँचता था, फिर फ़ोन करके पहुँचता था। कोई यदि पेशेंट यदि आ जाता था बाहर से तो मैं लेके चला जाता था। फिर वहाँ ब्लड बैंक की तब समस्या थी, तो माननीय जगत प्रसाद मड्डा जी जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से फिर हमने ब्लड बैंक भी कराया। हॉस्टल्स की प्रॉब्लम थी, हॉस्टल्स हमने प्लान कराया। एम्स के लिए मैंने खूब मन से काम करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं गवर्निंग बॉडी में भी था, तो एम्स को हमने खड़ा करने का प्रयास किया वहाँ पर। क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ होती है तो उसमें बुराइयाँ चार जुड़ना शुरू हो जाती हैं। कूपन बटते थे, तो वो कूपन जो है सुबह सुबह 5 बजे से बांट, क्यों लग जाती थी? बेचारे बहुत दूर दूर से लोग आते थे, तो वो कूपन के माध्यम से भी थोड़ा सा भ्रष्टाचार की जानकारी मुझको मिली। तो मैंने क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौड़ जी को मैंने आग्रह करा, मैंने कहा ये सुनने में आया मुझे, मैं कल सुबह जाऊँगा तो आप समय निकालो, आप भी आओ। तो तपन जी मैं, हम 4-5 लोग मिलकर हम सुबह 4:30 बजे एम्स पहुँच गए। हम भी, मैं भी जाके लाइन में खड़ा हो गया। अच्छा, मैंने किसी को बताया नहीं कि हम एज ए मेम्बर। फिर कृष्णा जी भी आ गए, सब लोग आ गए, वो भी लाइन में लग गया। नहीं, वो बाद में आया। तब हमें जानकारी मिल गई कि कूपन जो है ना, जो प्रमुख बीमारियाँ हैं उसके कूपन्स को बांटते नहीं हैं, उसको बेचते हैं। फिर हमने व्यवस्था ठीक कराई वहाँ पे। फिर हमने कूपन कितने हैं उसकी पूरी नोटिंग कराओ, ये कराओ, बेड में कितने लोग बेड खाली पड़े हैं, उन सबको हमने चिंता करना शुरू की। तो धीमे धीमे एक व्यवस्था बनी और ठीक हो गई। तो मेरे रहते हुए काम हुआ, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं। मैं वापस हाउस पे लौटता हूँ, संसद पे लौटता हूँ। संसद में जब आपने ओथ ली होगी या उसके बाद जो आपके वर्णन, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई मुझको, वो अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और जब ओथ लेने के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो पूरा हाउस बैठा हुआ, मतलब पूरा देश देख रहा है उसको, उस एपिसोड को। तो जब मैं ओथ लेने वहाँ गया तो एकदम अनायास मुझको लगा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और मैं जो यहाँ बोलूँगा सब गुंजायमान होगा। तो मेरे को लगा कि मेरे पापा दुनिया में नहीं है। तो मैंने ओथ में ऐसी ली थी कि मैं आलोक शीला अविनाश चंद्र संजर, माँ का नाम भी लिया और पिता का नाम भी प्लस किया उसमें, कि आज मेरे माध्यम से कम इस भवन में ये मेरे भाव पहुँच जाए। वो रिकॉर्डेड हो गया। तो वो एकदम ऑल ऑफ सडन आया कि नहीं, मैं आज अपने पापा मम्मी का नाम भी हाउस में लूंगा, क्योंकि ये नाम उन्होंने ही दिया है। तो मैंने ऐसी पहले या आपके बाद में कभी किसी सांसद ने ऐसा इस तरह से ली? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो ली थी। तो उस टाइम पे बहुत से लोग बोले कि संस्कृत में ओथ ले लीजिए, कुछ लोगों ने इंग्लिश में ली, कुछ लोगों ने संस्कृत में भी ली। लेकिन तब तो मेरे मन में यही आया कि भाषा के विवाद में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कोशिश करी कि मैं संस्कृत में लूँ, क्योंकि दूसरे दिन समाचार पत्रों में भी सब में छपने वाला था कि इन्होंने संस्कृत में। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो है मेरा शुद्ध नहीं है निकलेंगे, हाँ मैं बोल नहीं पाऊँगा शुद्धि से उसको। तो फिर मैंने उसको हिंदी में बोला। तो कमांड जिस पे हो उसे बोलना चाहिए, मेरा अपना मानना है। कोई ऐसा एपिसोड जिसका आपको मलाल हो कि यार ये एपिसोड नहीं होना चाहिए था, अगर इसको डिलीट कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, ये पन्ना फाड़ दिया जाए 5 साल के कार्यकाल में, तो वो कौन सा पन्ना होगा? नहीं, मेरी दृष्टि में तो वैसे तो जितना भी वहाँ पे जो न्यूसेंस भी जो होता था, कभी कभी दुख होता था कि हमारा क्वेश्चन आवर में मेरा नंबर आ गया है और लेकिन वो एडजोन हो रही है, जो हल्ला मच रहा है और उसके बाद एडजोन हो रही है, तो वो क्वेश्चन आवर हमारा चला जाता था, फिर दोबारा वो हमको नहीं मिलता था। तो कुल मिलाकर नुकसान एक सांसद का ही हमारे सांसद करते हैं जो विपक्ष में रहकर, क्योंकि वो अपना पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन यदि संसद को चलने दिया जाए तो बहुत सारे सांसदों का जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए या समाज के लिए जो बोलना चाहते हैं वो अवसर चूक जाते हैं।
तो कई बार इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन पॉलिटिक्स है वो तो। लेकिन इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता भी था कि जैसे जीरो ओवर में बोलना है, क्योंकि लॉटरी होती थी तो बड़ी मुश्किल से लॉटरी में नाम आता है, क्योंकि पूरे इतने सारे सांसद लॉटरी डालते हैं। लेकिन उसमें जब आ जाता था तो फिर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब नहीं बोल पाते तो बहुत बुरा लगता था। तो तैयारी करना, रात को पढ़ना लिखना, तो इसमें इस तरह की बहुत सारे एपिसोड्स हैं। लेकिन इसमें भी एक कम मैं बात बता रहा हूँ, चूँकि और जो सांसद सुनेंगे, तो यदि जीरो और में कोई बोल रहा है तो उसमें यदि मैंने अपनी सहमति लिख कर भेज दी है तो उसमें भी हमको नंबर मिलते थे। तो जिसने जैसे किसी कुछ विषय को उठाया जो देश के लिए है, कुछ लोग अपनी कॉन्स्टिटेंसी को लेके, लेकिन जैसे देश के लिए किसी ने बोला कि लगा कि, तो हम लोग उसका समर्थन करते थे, तो ये बहुत कम लोग करते थे, तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन हमें चूंकि वहाँ के अधिकारियों ने बताया था कि आप ऐसा भी कर सकते हो, रैंकिंग बढ़ जाती थी, तो इसलिए जब आप गूगल में देखोगे तो मेरी 98% है। फिर मेरी कुल एब्सेंट दो बार रही, एक बार पार्टी ने मुझे कानपुर भेजा था तब गया था, एक बार मेरे परिवार में गमी हो गई थी, तो मात्र पूरे 5 साल में सिर्फ 2 एब्सेंट है मेरी। तो मैंने रेगुलर रहा मैं। और दूसरा, कभी मेरे दिल्ली वाले मकान में कभी ताला नहीं लगा। अच्छा, मैं नई भी हूँ तो भी ताला नहीं लगा। वहाँ लोग आते थे, क्योंकि कार्यालय मंत्री रहा था तो पूरे प्रदेश भर के लोगों जिनसे संपर्क था, तो वो अपने सांसद के नहीं जाते थे। नहीं, अपने आप ही नहीं लगा, क्योंकि मैं जा भी रहा हूँ तो कोई ना कोई है, बीमार है। अब जैसे एम्स में आते थे तो एम्स में वहाँ पे 2-2, 2.5-3 हज़ार रुपये के उनको कमरे लेने पड़ते थे, तो मैं कहता था यहाँ रहो। भोपाल में एक मुस्लिम फैमिली थी, उसके बच्चे की आँख बाहर आ रही थी, तो मेरे घर आए तो बड़ा निराश था। उन्होंने कहा था महीने भर रुकना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और 2000 रुपये प्रति डे का वहाँ पे कमरा है एम्स के पास। मैंने कहा मेरे यहाँ रुको, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाला कमरा मैंने उनको दिया हुआ था। तो वो आज भी, अभी जब चुनाव था, अभी विधानसभा का चुनाव था, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब बीजेपी को वोट करने वाले। तो एक, आप किसी का दिल जीतो ना, कहते हैं ना दिल को छुआ कि वो अपना हुआ। तो हमने दिल को छूने का प्रयास किया। मैंने कभी भी रात को मोबाइल बंद नहीं करता, रात को 2-2, 2.5-3 बजे फ़ोन उठाता हूँ। और मैंने नशा मुक्ति को लेकर बहुत काम किया, मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं जो कार्यकर्ताओं ने बनाए। मैं गाँव जाता था, गुटखे खाने वाले, शराब पीने वाले, जब बिल्कुल होमली हो जाता था उनके साथ। मैंने कल भी एक का गुटका छुड़वाया सीहोर में, एक का गुटका आपको 10 सूत्र भी छोड़ना पड़ेगा। तो यदि वो मेरे मंत्र को मान लेंगे तो छोड़ देंगे। तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खिलवाता था कि खाओ तुम मेरी कसम कि आज से नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाएंगे भाई साहब, नहीं मैं कसम तो नहीं खाऊंगा। मैंने कहा पहले मैंने तुमसे तय कराया। तो मैं इस तरह से लोगों के परिवार, उनके आज भी बहुत पूरे, मैं जैसे संगठनात्मक में भी कहीं जाता हूँ, कोई सामने बैठ के बात करते हैं गुटखा खा रहा है, मैं छोड़ दो यार। तो कैसे छोड़ना था, छूटता नहीं। मैंने हम छोड़वा देंगे। तो लेकिन हम मंत्र बोलना पड़ेगा, हम तैयार हैं। फिर जैसे ही बोलते कसम खा लो, अब मंत्र बोलोगे ही। फिर जब बोलता था हाँ तक कसम खा के, तो फिर अपना हाथ, उसका हाथ अपने सर पर रखवाता था। तो मेरे वीडियोज़ भी हैं, तो एक इमोशनली। तो लेकिन बहुत से परिवार उससे बचे भी, अब हो सकता है किसने कुछ शुरू भी कर दिया। लेकिन मुझे लगता है जो बहुत लोग मिलते हैं, अरे भाई साहब आपके कहने से इन्होंने गुटखा अब नहीं खा रहे हैं आजकल, वो खुद भी बोलते हैं, उनकी पत्नियाँ तक मुझे बोलती हैं आपने एक ये काम बहुत अच्छा कर दिया। दूसरा, मैं शुरू से 1983 से, मैं आपको भी दिखाऊंगा, एक डायरी है मेरे पास। मैं पास सबकी बर्थडे कार्यकर्ताओं की शादी की कार्ड जाते हैं, मैं आज भी लिखता हूँ पूरे उस साल में। हर बार उनका जन्मदिन आता है, हर बार उनकी शादी के साथ। मोदी जी से हम कई बार मिले, और मोदी जी जो हैं, जो हमारी संसद दल की बैठक होती थी उसमें हर मंगलवार को वो हम लोगों को वहाँ पे बोलते थे, कार्यक्रम सांसद से भी एपिसोड रखवाते थे। मोदी जी ने एक अच्छी बात बोली थी, मेरे को आज याद आ गई, चूँकि आपने विषय रखा, कमेटीज़ की मीटिंग होती हैं। मोदी जी ने कहा कि जो कमेटीज़ की मीटिंग होती है सांसद उसको सीरियसली नहीं देते हैं। अपना आप गए, मिलकर आ गए और साइन कर लोग निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। अधिकारी अपना रखता है, पहले से एजेंडा बनकर आता है, कोई पढ़ते नहीं। उन्होंने बोले कमेटीज़ की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तब अनिल दवे जी हुआ करते थे, तो उन्होंने अनिल दवे जी का नाम कोट करके बोला था कि कमेटीज़ की मीटिंग में कैसे उसको हमको करना चाहिए, कमेटीज़ को अटेंड कैसे करना चाहिए, अपना विषय कैसे रखनी, एक बार अनिल जी को पढ़ लेना। उनकी कमेटीज़ की मीटिंग में जाते हैं तो उनको देखना उन्होंने कैसे उसको किया है, अध्ययन करके जाना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। अधिकारियों से बात के संपर्क भी बनेगा, संवाद भी होगा, और अधिकारियों से आपका मेल मिलाप भी बढ़ेगा।
तो उससे लाभ मिलेगा आपको भी और संगठन को भी, और उस कमेटी के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ जो जा रही हो जिससे समाज को और देश को लाभ हो सके। एक अच्छी बात उन्होंने बोली। एक बार हमारा मन हुआ कि जो पॉलिटिशियंस में होता है ना कि चलो अपन अपने संबंध बनाएं, तो हमने भी फ़ोन करा कि हम मिलना चाहते हैं। तो हमको सुबह 9:45 का समय मिला था, तो हम अप्रॉक्स 8:15 पहुँच गए। मेरे साथ एक सांसद मित्र और थे, हम दोनों तो वहाँ पहुँचे तो दो सांसद मिलकर आ रहे थे। तो हमने कहा आपकी मुलाकात कैसी रही? तो उन्होंने कहा मत पूछो यार। मैंने क्यों? पहले उन्होंने डांट दिया कि तुम कोई अपने क्षेत्र की कोई योजना लेकर आए हो, कोई प्लानिंग लेकर आए हो, कि मेरा भी टाइम वेस्ट करना है और अपना भी टाइम वेस्ट करने आए हो। मतलब मोदी जी कितने बारीक इंसान, कि यदि आपका 2 मिनट भी है तो आप 2 मिनट में कुछ अपने क्षेत्र के बारे में बात करने आए हो कि सिर्फ आप यहाँ पर एक कप चाय पीने आए हो, मुझसे मिलने आए हो। तो मैंने हमने हमारी मुलाकात कैंसिल कर दी कि बिना उसके नहीं जाएंगे। तो ये विज़न है एक पॉलिटिशियन का, एक नेता का, मैंने कहा ना लीडर का एक विज़न है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई बात लेकर आ रहा है, मैं आपने पूरी संसद की यात्रा बताई, जब वो समय भी आया जब आपको लगा कि 5 साल बेहतर काम किया तो अगली बार भी मौका आपको मिलेगा, लेकिन वो टिकट कट गया, वो कैसा समय था आपके लिए? तो टिकट की मैंने कभी चाह की नहीं थी, टिकट मिल गया था। तो टिकट जब मिला था तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब बात कही थी कि जो कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ाऊँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं कटा, आलोक सिंगर का मिला ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मिला था। मैं एक सूत्र मात्र था कि नहीं ठीक है एक व्यक्ति लड़ना, इसलिए मैं लड़ा था। और मैंने जब साध्वी जी का टिकट हुआ तो मुझे बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन मैं अपने मन से गया और मैंने कहा कि मैं पूरे मन योग के साथ पूरी ताकत के साथ जैसा मैं अपना चुनाव लड़ा था वैसा मैं इनको चुनाव लड़ाऊंगा। और आज आप क्षेत्र में पूछोगे तो मैंने वैसा ही चुनाव उनको लड़ाया था, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता तो भी मैं पूरे जो टाइमिंग सेट होते थे रात को 2-2:30 बजे तक लौट के घर आता था। और मुझे संगठन का काम करने का मज़ा है मुझे लगता है चुनाव लड़ने से ज़्यादा। भोपाल में जब मुझे आभास हो गया, एक दिन पहले मुझे बता दिया गया कि अब भोपाल में टिकट बाप का नहीं होने वाला है, दिग्विजय सिंह सामने साध्वी जी चुनाव लड़ेंगी। तो एक दिन पहले मेरे को ऐसी सूचना आ गई थी, मुझे बोला भी गया कि अब कहीं बात करना है तो करो। मैंने कहा नहीं, अब क्या करना है, पार्टी का काम करेंगे। तब मेरे को 74 बंगले में B19 बंगला अलॉटेड था, हम लोग शिफ्ट कर गए थे उसमें, मेरी पत्नी। और अच्छा लगता है बंगला, अच्छा लगता है, सुविधाएं मिलती तो अच्छा लगता है। जब मुझे आभास हुआ तो मैंने थोड़ा सा चिंतन करके अपनी पत्नी को, दोनों बच्चों को बुलाया। मैंने कहा देखो कल टिकट कटेगा सुबह मेरा, तो कोई भी नेगेटिव मत बोलना, मीडिया ज़रूर आएगा अपने पास, सब बोलना जो पार्टी का निर्णय है वो बिल्कुल श्रेष्ठ निर्णय है और इसमें बहुत अच्छा निर्णय है, हम कोई आपत्ति नहीं है, हम मिलकर काम करेंगे, भाजपा को जिताएंगे। फिर अनायास परमात्मा ने मुझे एक हूक दी, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि मैंने कहा बस कल इतनी मदद कर देना कि टिकट कटने के बाद सूरज बाद में डूबेगा, बंगला उसी दिन खाली करना है मुझे। तो इतनी जल्दी आप इतने जल्दी ऐसे निर्णय कैसे कर लेते हो? मेरी पत्नी मुझसे बोली कैसे संभव है? मैंने कहा आज रात अपने पास है, कल का दिन अपने पास है, जो सामान सब पैक करो और मैं सुबह गाड़ी बुलवा दूंगा, तो उसमें हम सारा सामान अपने घर पहुँच जाएंगे। तब संयोग से मेरा ऊपर का पोर्शन बना ही बना था, दरवाजे वगैरह नहीं लगे थे, काम रह गया था। वो बोली अपनी काम चल रहा है, मैंने कहा चलने दो, उसी चलते में हम रहेंगे। मैंने 4 बजे बंगला खाली कर दिया और मैंने किसी मीडिया को नहीं बताया। 3 दिन बाद मीडिया को मालूम पड़ा कि मैंने बंगला खाली कर दिया है, तो मुझसे बोले कि आप सामान लेते हुए बाहर निकलते हुए हम आपका वीडियो बनाना चाहते हैं, न्यूज़ सेक्शन में चलाना। मैंने कहा अब जहाँ से निकल आया हूँ मैं उसमें वापस तो नहीं जाऊँगा, अब वो न्यूज़ बने या नहीं बने मुझे नहीं है। फिर लेकिन अखबार ने सबने छापा, 24 तारीख को मेरे को दिल्ली का नोटिस आया कि 24 तारीख को दिल्ली का अपने को आवास खाली करना है। मैं 23 तारीख को सुबह पहुँचा और 23 तारीख को मैंने सारे न्यूडूस कराए, क्योंकि ईश्वर की कृपा थी कि ऐसा कुछ था नहीं कि जिसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, तो क्योंकि मैं रेगुलर था सब पेमेंट्स करने में, इमीडिएट मेरा सब नोटिस वगैरह सब हो गए। 24 तारीख को 3 बजे बिजली सब कट गई, गैस कनेक्शन कट गया, उन्होंने लॉक कर दिया, बाहर हम आके बैठ गए। शाम को 8 बजे मेरी ट्रेन थी। तो आपको बंगले से बाहर मतलब हाँ खाली हो गया था, मतलब ट्रेन आने के पहले ही खाली हो गया था। तो उन्होंने कहा आप बैठो यहाँ पे, अब लाइट कट गई थी, गर्मी के दिन थे तो बाहर बैठे।
तो कुछ सामान जो था वो हमने जो काम हम करने वाले थे उनको दे दिया जो उनके काम का था। तब मन में ख्याल आया होगा कि सत्ता भी कितनी बुरी चीज़ है, मतलब सिस्टम भी कि मतलब लाइट कटने आपके जाने तक के बाद में लाइट कट सकती थी, लाइट कटी तो आपको लगा पावर से हटने के बाद कि एकदम सिस्टम बदलता है, पावर कट जाता है, एक एहसास हुआ हो मन में, विचार तो आया होगा आपके इस तरह का। मैं कह रहा हूँ ना, ख्याल अच्छे लाओगे तो अच्छे ख्याल आएंगे, बुरे लाओगे तो बुरे आएंगे। मैंने वो ख्याल आने ही नहीं दिए। लेकिन जब मैं बाहर बैठा था तो मैं मोबाइल पर मैंने फेसबुक पर लिखा, मैंने लिखा कि मैं घर से मकान में आया था, आज मकान से घर वापस जा रहा हूँ, दिल्ली तुझको बाय बाय, बस ये लाइन लिखी थी। और मेरे पास एक विजय करके लड़का काम करता था, उसकी चिंता मैंने जरूर लिखी थी, अब इसका क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं भोपाल आ गया, मंडे का दिन था उस दिन, आज तक पे संजय सिन्हा की कहानियाँ आती हैं, एक एपिसोड आता था, तो मुझे फ़ोन आया कि आलोक संजय जी कहाँ हो। मैंने घर पर कहले टी वी चलाओ, एक मेरे मित्र का फोन आया, आप तो छाए हुए आज आज तक। मैंने कहा क्या हो गया यार, अभी क्या हो गया। तो मैंने खोला तो संजय सिन्हा की कहानियाँ चल रही थी उसमें, तो उसने लिखा कि आलोक लूटना जानता है, और बाद में उसने बोला मैं भी नहीं लूट पाया। और ट्रांसट्राई की कहानी जो आपने पढ़ी होगी कि वो भागता गया और अंत तो कहता लूट ना पाया, रास्ते मर गया। तो उसने उसको यह था कि इस फेसबुक की उस कहानी को पढ़ के उसने लिखा था कि आलोक लूटना जानता है। तो मुझे भी ये लगा कि वाकई मकान से घर आना वापस बहुत अच्छा रहा। मकान में कितने दिन रहोगे, लेकिन घर तो घर होता है। और वापस आके भारतीय जनता पार्टी का काम किया, मन से किया, और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि कभी शायद सांसद रहते हुए कुछ लोग मुझसे दुखी हुए होंगे, लेकिन आज शायद वो भी दुखी ना होंगे, और सब दिल से चाहते हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सांसद नामा के पहले एपिसोड में आज बस आलोक संजर जी के साथ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी सांसद के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए द सूत्र।